स्टार्ट। हेलो, हाय, दिस इज अश्विन अवस्थी, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विन अवस्थी। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैनल पर मैं एक और टॉपिक को इंक्लूड करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी आप डिस्कस करिए और उसके रिलेटेड टॉपिक को भी डिस्कस करिए। सो दैट्स व्हाई मैंने ये सोचा कि पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि आपके इस वीडियो के अंदर या आने वाले वीडियोस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो आपको बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके एक जॉब को पाने के लिए, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट प्रॉपरली उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं या बनाए जाते हैं या लाए जाते हैं। इसके बाद कौन कौन से एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनके अंदर वो आते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में बात करूंगा, कितने क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, क्या मार्किंग होती है और क्या चीज होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि अधिकतर कई सारे एग्जामिनेशन जैसे यूपीपीसीएल है, अगर उसकी बात करें तो यूपीपीसीएल में अगर आप किसी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहां पर 50 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपके अगर आप उसमें 25% या 50% मार्क्स गेन नहीं करते हैं तो आप उस एग्जाम को बीट ही नहीं कर पाते और आगे की कॉपी आपकी चेक ही नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि आगे की टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है आपका कंप्यूटर, सो दैट्स व्हाई आप अगर चाहते हैं अपने आप को इंप्रूव करना इन कंप्यूटर एग्जामिनेशन, तो आप इस वीडियोस को, आने वाली वीडियोस को वॉच जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यूपीपीसीएल के एग्जाम के 50 क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए तो आपके आगे वाले जो क्वेश्चंस आपने टिक किए हैं उनको चेक ही नहीं किया जाता है। ऐसे कई सारे एग्जामिनेशन और भी हैं और बैंक के एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो फॉर्म किया और आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर पुट अप किए जाते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करने से आपको लगातार मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। और इसके साथ अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे लोग ज्यादा से लोग इसको देख पाए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।